हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सबाब इद्रीस, वेलकम टू अनदर फूड हंट वीडियो। और आज हम लोग जा रहे हैं कराची के सबसे मशहूर गोलगप्पे ढूंढने। आज हम लोग जो है ये फूड हंट अकेले नहीं कर रहे, हमारे साथ ज्वाइन किया डॉक्टर अंजर ने। माय नेम इज अंजर, आई एम एसोसिएटेड विद हबीब यूनिवर्सिटी इन कराची, आई वाज हिज टीचर। ही इज बेसिकली फ्रॉम मुल्तान और वी वर डिस्कसिंग अबाउट गोलगप्पा। और मुल्तान में गोलगप्पे एक रिलीजियस वैल्यू रखते हैं। गोलगप्पों के साथ हमारा जो है वो सिर्फ मोहब्बत नहीं, हमें अकीदत है गोलगप्पों से। और कराची में गोलगप्पे जो है वो इंतहाई मायूसकुन क्वालिटी के मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ गोलगप्पे लोगों को बनाने नहीं आते, वो अजीब से उसके अंदर एक चना रख के उसको पानी में डबो के दे देते हैं। इसको गोलगप्पा नहीं कहते, ये गोलगप्पे की बेहरमती है। ओके, क्योंकि गोलगप्पे को आप लाइटली नहीं ले, गोलगप्पे का एहतराम बहुत जरूरी है। तो आई रियली होप कि जहाँ हम जा रहे हैं आज हमें गोलगप्पे मिले, वरना मैं तो तैयार बैठा हूँ 0/10 में से देने के लिए सबको, अगर अच्छे गोलगप्पे ना हुए तो। उन्होंने बोला कि कराची के गोलगप्पे अच्छे नहीं होते, तो मैंने बोला सर जी चले तो आप जरा, हम आपको अच्छे गोलगप्पे खिलाते हैं। आज हम लोग ने जाना है 5 या 4 लोकेशंस पे। पहली लोकेशन है वो मुझे नहीं पता क्या है, उसका कोई बोर्ड भी नहीं है, आई जस्ट नो कि वो तारिक रोड पे सिल्वर स्पून के करीब है। ओके, हमें वहां जाना होगा, उस जगह को ढूंढना पड़ेगा, तो फॉरगिव मी अगर वो जगह नाम मिले। नहीं नहीं, दैट्स फाइन। गाइज, दिस इज नॉट अ गुड स्टार्ट। हम लोग अपनी पहली लोकेशन जैसे ही हम पहुंचे तो वो शॉप बंद थी, और ये शॉप जो है 5 बजे खुलती है। इस गोलगप्पे की वीडियो काफी वायरल भी हुई थी, सो विल प्रॉब्ली इंक्लूड इट इन अनदर वीडियो। लेट्स गो टू द सेकंड लोकेशन व्हिच इज शम्स चाट हाउस। देख के क्या लग रहा है? एटलीस्ट इंग्रेडिएंट्स देखने में तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये बड़ा यूनिक है कराची में कि गर्म होते हैं चने। सम पीपल लाइक इट, सम डोंट, आई रियली लव इट। चम्मच से तो नहीं खाना सर, ये तो ज्यादती है। नहीं, इसने गीला बहुत कर दिया। आई एम नॉट यूज्ड टू गीला गप्पा। फर्स्ट यू हैव अ बाइट एंड रिव्यू इट। ऑलराइट, आके पहाड़ के तसल्ली से इसको ट्राई करूं। इंटरेस्टिंग, इसमें लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन जिसने डाले हैं। इन फैक्ट देयर इज एन ओवरफ्लो ऑफ कॉम्बिनेशंस एक्चुअली। लेट मी ट्राई इट। ओके, आई डोंट थिंक चुका है, अभी मैं उठा नहीं सकता इसको, लेकिन ऊपर से ये क्रंची है। ऊपर से क्रंची। इसमें डालिए सेब, अनियन, चने, थोड़े से आलू, खजूर की चटनी और बहुत सारी दही। ओके, तो अगर मैं इसको एक्सपीरियंस पे रेट करूं तो आई वुड कॉल इट ए 7.5 out of 10। You have had better Golgappa in Karachi? Not in Karachi. I think it was a bit more overloaded और बहुत strict rating के साथ, I'll give it 7 out of 10। अच्छा, मैंने इससे बेहतर खाया कराची। गुड गुड। दो टाइप के गोलगप्पे होते हैं, एक होते हैं मीठे, एक होते हैं खट्टे। ये मीठा वाला जो है ये कराची की अपनी एक सौगात, इसको कह सकते हैं कि इख्तरा नहीं कहूँगा, सौगात कहूँगा कि उन्होंने वेरिएशन ये एक निकाली भी है। अगर आप मीठे गोलगप्पे मुल्तान में जाके या पंजाब में कहीं मांगेंगे तो आपको मारेंगे। अच्छा, हम लोग पहुंच चुके हैं सेकंड लोकेशन पे जिसका नाम है लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे। इन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया मशहूर है और सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सीलेंस। या इसके जो गोलगप्पे हैं काफी सिंपल है, इसमें चने डाले में और 2 किस्म की चटनी है, और उसके साथ उन्होंने दिया है पानी। मैं फैन हूं। तुम उसको डबोए खाते हो पानी में? या या। व्हाट अबाउट यू? मैं तो पानी में डबोता नहीं हूं, पानी अलग से खाता हूं। ओके, आई विल ट्राई वन विदाउट इट एंड आई विल ट्राई वन विद। या, आई एम आल्सो गोना डू द सेम थिंग। ऑलराइट, लेट मी ट्राई वन विद चटनी नाउ। Also gonna try one with chutney. इसी जो चटनी है उसकी जो खटास है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जो मुझे गप्पे मिले वो काफ़ी फ्रेश और काफ़ी क्रिस्पी हैं। लियाकताबाद के जो मशहूर गोलगप्पे हैं, दे रियली रियली गुड, प्रॉब्ली रेटेड 8.5 out of 10। I like the crispness of the shell for sure. It's a golgappa. पिछले वाला चाट लग रहा था, ये वाकई गोलगप्पा लग रहा है, लेकिन जो मैं इसकी फीलिंग है उससे मायूस हूँ। अगेन, कुछ दुखी चने अकेले बैठे हैं 3-4, और उसमें एक चटनी का कॉम्बो दिया है। ड्राई खाने में बिल्कुल मजा नहीं आया था, जो उसका लिक्विड उसके साथ मजा आ रहा है, लेकिन आई फील समथिंग इज मिसिंग। आई वुड लाइक टू हैव समथिंग एल्स इनसाइड। आई विल रेट इट 7। For me, the crispiness of some ingredients itself makes it very interesting. सिर्फ चने जो मुँह में आ रहे हैं ना, तो मेरा दिल कर रहा था कि मेरे मुँह में कोई आलू का टेस्ट भी आता, हल्का सा कोई मसाले का टेस्ट थोड़ा सा होता, कोई प्याज आता मुँह में, कोई हरी मिर्च का कोई कॉम्बिनेशन बनता। Now we are heading towards our 4th location technically, Manpasand Food Valley located in Gulistan Johar. देखें लोगों की exploration में वो सबसे ज़्यादा उसको rate करते हैं, जहाँ हम भी यहाँ जहाँ अभी जा रहे हैं। Exactly. तो हमने 2 तरह के गोलगप्पे मंगवा लिए और इसको सेंटर से करते हैं बिल्कुल। देखें, ये 4 खट्टे हैं और ये 4 जो है मीठे। फर्स्ट इंप्रेशन में जो अंदर फिलिंग लग रही है ना, दैट लुक्स वेरी क्लोज टू परफेक्शन विजुअली। एंड आई एम गोइंग टू ईट वन विदाउट एनी चटनी। अच्छा, खा के बताइएगा ये खट्टा था या मीठा था। मीठा। ओके, लेट मी ट्राई दिस। आई ट्राइड विदाउट एनीथिंग। खट्टा। मुझे खट्टा बताओ कौन सा होगा। कहाँ थे तुम आज से पहले मनपसंद? मीठे वाला भी बहुत सॉलिड है, नमकीन वाला भी बहुत सॉलिड है। ओह मैन, जस्ट लुक एट दिस, चने, प्याज, पापड़ी, अ कॉम्बो ऑफ 2 चटनीज, इट्स लाइक फैंसी। जो शेल है, इट्स मेंटेनिंग द स्ट्रेंथ। कैसे इसने ऐसे बनाया है इसको?
मैंने कुछ उतार के अपनी आंखों की मोहब्बत दिखा दूँ इस टाइम आ रही है मुझे, मैं नजर नहीं आ रहा चश्मे के बगैर। वाओ दो बचे हैं सर। खट्टे वाला कौन सा होगा? Tell people how were these Golgappe? बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। इनका जो शेल है वो शुरू से एंड तक उसने अपनी फॉर्म मेंटेन की, उसे किसी पानी में नहीं डुबोया हुआ था, उसके अंदर सॉसेस डली हुई थी, लेकिन उन सॉसेस की भी थिकनेस ऐसी थी कि they were not eating it from the inside, वो अंदर ही थी। लेकिन चनों को इस दफा अकेला छोड़ने की बजाय उनको कोई कॉम्बिनेशन भी दिया गया था। उसके अंदर प्याज तो थे ही, जो कि मुझे उसी वक्त वो विन ओवर कर लेता अगर कोई अच्छा कड़क प्याज उसके अंदर हो। उन्होंने क्रश पापड़ी भी डाली हुई थी, दो कॉम्बोज में हमें दिए थे। I would say both were interesting. Ye by far is the best Golgappa I've had in Karachi. Okay. Solid 8.5 out of 10. By far it is one of the best Golgappa in Karachi. I'll probably rate it 9 out of 10. Ek number jo kata hai bas wo pani ke jaisa kata hai. फूड स्ट्रीट की ऐप लॉन्च हो गई है, तो आप लोग डाउनलोड करें। खाना तो ऑर्डर कर भी सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इमेजिन इंस्टाग्राम ऑफ फूड, दिस इज व्हाट फूड स्ट्रीट इज। We have arrived on our fifth location, चार मीनार चरंगी पे लोकेटेड है, और इसका नाम है दिल पसंद चाट हाउस। चटनी गरम है, मुझे इसकी चटनी भी इतनी खास नहीं लगी। अच्छा, कितना चनों को तनहा छोड़ दिया गया है, वो अकेले बेचारे उस गोलगप्पे में सैरें कर रहे हैं। पानी इन्होंने बनाया है उसको खाजमूला के टेस्ट आ रहा है उसमें, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ऐसे लग रहा है कि जैसे रेगिस्तान में दो चार झाड़ियाँ उगी हुई हैं, कुछ है नहीं बहुत ज्यादा अंदर, खासी खालीपन का फील आ रहा है, और टेस्ट में भी वही फील आता है। आप खाते हैं, आप कहते हैं ओके, नथिंग दैट आई वुड ब्रिंग मी बैक हियर अगेन। इफ आई हैड टू रेट इट, आई विल प्रोबब्ली रेट इट 4 आउट ऑफ 10। व्हाट अबाउट यू? द 5। मतलब उसके गोलगप्पे एवरेज से थे, उसको भी एहसास हो गया, तो एकदम से उसने कहा देखिए अगर आप गोलगप्पों की तलाश में अच्छे हैं तो मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ जाना है। आप PIB कॉलोनी जाएं, वहाँ पे अपेरेंटली कोई है जो 36 तरह के गोलगप्पे बनाता है। तो ऑल दो हम खासे भर चुके हैं, हम फिर भी जा रहे हैं। PIB कॉलोनी हम लोग पहुँचे और हमने एक घंटा उस रोड पे चक्कर लगाया जिस रोड पे वो गोलगप्पे वाला खड़ा होता है, बट सैडली हम लोग उसको नहीं ढूंढ पाए। द बेस्ट गोलगप्पे इन कराची सो फार बिलोंग्स टू मनपसंद, उसका नाम था। सेकेंड मोस्ट फेवरेट मेरे गोलगप्पे थे, वो थे लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे। I absolutely loved it. I'm so glad I became a part of that. Karachi has such an amazing food culture. जो हबाब कर रहा है हमारे लिए वो it's a huge service to the city itself. क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि food culture इस शहर का किस हद diverse है. Thank you so much for Dr. Ansar joining us. It was fun. Yeah, और आपके साथ बातें करने में बहुत मजा आया। Order food, deliver. अपनी favorite जगहों की seat reserve करें and support the Pakistani app. It's your own app.